उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले किसान ने बताया कि मेरी पुश्तैनी जमीन पर से पड़ोसी खेत मालिक रास्ता निकालना चाह रहा है और मुझे जान से खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। वह मेरे पड़ोसी हैं और मैं बेहद परेशान हूं। उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले गांव नागपुर से झिरनिया को आने वाले मुख्य रोड पर वृद्ध किसान की पुश्तैनी जमीन है। यहाँ पर वृद्ध किसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेती किसानी करके जीवन गुजर बसर करता है, पर पड़ोसी खेत मालिक उक्त सीधे साधे किसान को और उसके परिवार को आए दिन डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और जान से खत्म करने की धमकियां देते हैं। किसान बुजुर्ग और उसके परिवार के सदस्य बेहद डरे हुए हैं और बेहद घबराए हुए हैं। पीड़ित किसान ने भैरवगढ़ थाने में पहुंचकर लिखित में शिकायत की समस्या बताई। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बताइए, कहाँ रहते हैं आप और क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? मैं नागपुर में रहता हूँ सर। मेरा नाम सोनू कछाव है, नागपुर खेड़ा में रहता हूँ। सर, मेरी ज़मीन के अंदर से जबरदस्ती लोग निकल रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी निजी ज़मीन थी 40 बीघा, उसके अंदर से पक्का रोड निर्माण करना चाहते, तो मैंने मना कर दिया उसको भाई कि कांकड़ से लगी हुई आपकी भूमि है तो आपको कांकड़ से रास्ता दिया जाएगा। अगर निजी भूमि में से रास्ता देने का अधिकार किसी को नहीं है सर। मैंने खरीदी हुई, अगर मैंने उनको बेची हुई होती तो मैं दे सकता था। उनके परिवार वाले की ज़मीन लगी हुई, उनसे नहीं लग रहे। मेरा घर अकेला का देख कर ज़बरदस्ती लोग मुझे मारना चाहते, लड़ाई झगड़ा करना चाहते। मेरे पिता की उम्र भी अधिक है, 80 वर्ष उम्र है, और मेरा भाई थोड़ा सा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू कछाव है सर। जमीन कहाँ पर है? जमीन नागपुर खेड़ा में सर। आपने इस बारे में भैरवगढ़ थाने पर या अधिकारी को बताया सर, नहीं आपने? मैंने SDM साहब को भी सूचना की थी इसके लिए, कलेक्टर साहब को भी नोटिस दे दिया है, या भैरवगढ़ थाने में भी कंप्लेंट 2 बार कर चुका, लेकिन मेरे यहाँ तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। SDM कार्यालय में भी मैंने इसकी शिकायत की है सर, और कल मैं SDM कार्यालय में जमीन विवाद की अपील करने गया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।